रविवार को बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयान ने नैत्री पहुंचकर प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में सरकार प्रभावितों के साथ है। जिस प्रकार से घनसाली व केदारनाथ में आई आपदा में मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाई है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा विपक्ष को इस समय राजनीति न करके प्रभावितों की मदद को आगे आना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर आपदा में राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। निश्चित रूप से हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जिस तरह से मिलकर इस आपदा में लोगों की मदद कर रही है वो लोगों को दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से जिस तत्परता के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारा पूरा पार्टी का संगठन इस आपदा में लोगों की मदद के लिए आगे आया है वो सबके सम्मुख है, वो आपके सम्मुख भी है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ कि उन्हें केवल राजनीति करने की लगी हुई है, और जनता ने उन्हें इसलिए भी नकारा है कि उन्होंने कोई मानवता पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने केवल अपनी राजनीतिक रोटियाँ सीखी हैं। जब लोग बेघर हो गए हों, जब लोगों के अपने बिछुड़ चुके हों और ऐसे में उस तरह की बातें कर रहे हों और वो यात्रा निकाल रहे हों, उस यात्रा में भी जो है वो यात्रा में भी जिस तरह की घटनाएं उनकी आपस में ही घटित हो रही हैं वो आपके सम्मुख है, उस तरह के चित्र आपके सम्मुख है, और जिस तरह से उन्होंने उसमें जो घटनाएं घटी हैं वो आप सबके सम्मुख हैं। कोई कहीं पर जो है तो जल क्रीड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिस तरह की गतिविधियाँ उनकी आपस में रही हैं। और दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री रात को जगन्याली में जो है तो 10 बजे आपदा आती है और मुख्यमंत्री 8 और 9 बजे जो है तो जगन्याली पहुंच जाते हैं, सरकार की तत्परता को दिखाता है और उनको ढांढस बताते हैं। ढांढस ही नहीं बताते हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं। जो धनराशि उनको उपलब्ध करा दी गई है, जो सरकार के मानकों के अनुसार है, उन मृतकों को भी धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। जो पुनर्वास जिनका होना है उनके लिए चिन्हीकरण का काम भी कर दिया गया है, शीघ्र ही उनका पुनर्वास भी किया जाएगा। उनके लिए भोजन, राहत सामग्री इत्यादि और वहाँ पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग सरकार के द्वारा की जा रही, हमारे पदाधिकारी, हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक हर समय वहाँ पर उपलब्ध हैं, ये हमारी संवेदनशीलता को दिखाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस को केवल केदारनाथ का उपचुनाव दिखाई दे रहा है, उन्हें ही नहीं दिखाई दे रहा है कि इस समय जनता और देश विदेश के लोग क्या संदेश देकर यहाँ से लेकर जाएंगे कि कांग्रेस के लोग इस समय राजनीति कर रहे हैं। हम इस समय राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम कांग्रेस का भी आह्वान करना चाहते हैं कि वो भी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए और जनता के बीच में जाए और जनता की सेवा में लगे, जिस तरह से हमारे पदाधिकारी और हमारी सरकार लगी हुई।